स्पेनिश में बोलते हैं, वन को ऊनो, टू को दोस, त्रेस, क्वात्रो, सिंको। सो आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्तों का जो पात्रा बोलते हैं और बेसन लगा के जो बनता है, बेसिकली उसे बोलते क्या है वो नहीं पता मुझे, बस मैं बोलती हूँ कि मैं अरबी के पत्तों की बेसन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने बेसन घोला है, इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और एक पूरा नींबू डाला है मैंने इसमें। सो ऐसे करके पत्तों पर हम पूरा बेसन ऐसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। नींबू इसलिए डालते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अरबी को छीलते हुए बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि खुजली लग जाती है हाथों में, तो क्या होता है कि अरबी के पत्ते अगर हम खाते हैं ना तो गले में खराश होती है। सो अगर हम उसमें खट्टा डाल देंगे ना तो उससे खराश नहीं होगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से एक के ऊपर एक पत्ता रख के और हल्के हाथों से बेसन को हम ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे। और इस तरफ मैंने जो कढ़ाई ली थी, आज उसका मुहूर्त है, जो मेरी स्टीम वाली कढ़ाई थी उसको मैंने रख दिया है, इसमें मैंने पानी रख दिया है और ये बॉल ये उबल चुका है, अब मैं इसको सिम कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसको अभी दिखाती हूँ। मैंने सारे पत्तों को यहाँ पर तैयार कर लिया है और अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। सो इसको हम ऐसे करेंगे, थोड़ा दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये इसका हम रोल बनाएंगे। और ये क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए बनाना है सो ये मेरा तैयार हो गया है रोल और मैं इसको इस पर रख दूंगी और इसको मैं रख दूंगी 10 से 12 मिनट के। अब काम जो है ना, मैंने मोस्टली काम मेरा हो गया। आपको पता है मैं ना आजकल पढ़ने लगी हूँ और मैं क्या पढ़ने लगी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। देखिए आज मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाने लगूँगी बट ना मैं वॉक पे नहीं जा पाई क्योंकि ना दो दिन से ना गर्मी की वजह से तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी, इसलिए मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की। और कल की जो वीडियो थी वो रौनित ने करी है ना, सो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का और आज थोड़ा सा काम किया है सो काम मेरा हो गया और अब मैं अपने रूम में ही आ गई हूँ। मैंने ना दो चीज़ें पढ़नी शुरू की है, एक स्पेनिश और एक मलयालम। दोनों के पीछे का लॉजिक ये है कि एक स्पेनिश फ्रेंड है मेरी जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश में अगर मैं उससे बात करती हूँ तो उसको इंग्लिश भी नहीं आती है और स्पेनिश आती है। सो उससे मैं मतलब क्योंकि फ़ोन पे ही बात होती है, वीडियो कॉल्स होती है तो इशारे में बात करते हैं हम लोग, काफ़ी हद तक मैं समझ जाती हूँ बट मोस्टली मैं नहीं समझ पाती है ना। और मलयालम मैं इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मलयालम जो है वो केरला की लैंग्वेज है और वैसे तो मुझे सीखनी तेलुगु भी है बट अभी मैंने शुरुआत मलयालम से की है, तो क्योंकि साउथ, आई लव साउथ और वहाँ जाने के लिए, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए मैं मलयालम सीखना चाहती हूँ और मैं शुरुआत कर दी है। ठीक है,
और वैसे भी ज़िंदगी में ना नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। मैंने जैसे कि स्पेनिश में ना मैंने काउंटिंग सीखी है सो मैं आपको बताती हूँ, अजीब लगेगा आपको लेकिन मुझे भी मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नई चीज़ मैं आजकल लर्न कर रही हूँ। तो जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 बोलते हैं ना, तो स्पेनिश में बोलते हैं 1 को uno, 2 को dos, 3, 4, 5। ये चीज़ आपको बहुत सारे लोगों को नहीं आएगी समझ में, बट हाँ मैंने शुरुआत कर दी है और अभी मैं शुरुआत काउंटिंग और अल्फ़ाबेट से कर रही हूँ, क्योंकि वर्ड्स पर तो मैं इसके बाद ही जाऊँगी। मे बी मैं सीख जाऊँगी 2-3 महीनों में, इतना तो सीख जाऊँगी कि थोड़ा सा लिख लूँ और थोड़ा समझ सकूँ। मलयालम बहुत टफ है, मलयालम को सीखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। मलयालम और तेलुगू नहीं, मलयालम और कन्नड़ा एक जैसी है और तमिल और तेलुगू एक जैसी लैंग्वेज है, सिमिलर है दोनों एक दूसरे की। सो, मैंने शुरुआत मलयालम से की। मैंने चारों पर रिसर्च किया चारों पर, बट मुझे ऐसे लगा कंफर्टेबल मैं शायद मलयालम को सीखने में पहलूँ, वो मुझे थोड़ी ईजी लगी, उसका जो लिखने का जो तरीका है वो मुझे थोड़ा ईजी लगा, सो मैंने शुरुआत मलयालम से की। आप लोग भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहा करिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ना कुछ चीज़ें नई करने की कोशिश कर रही हूँ। सो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैंने ना वॉक पर जाने के लिए शूज़, जिम पैंट वगैरह सब निकाल ली थी, बट फिर उनको निकालने में ही इतने पसीने आने लग गए, चक्कर आने लग गए मुझे। अभी भी ना किचन में थी तो मुझे चक्कर ही आ रहा था। सो, फिर सारा काम जल्दी से हम लोगों ने ख़त्म किया और फिर अब आके मैं इधर बैठ गई हूँ, बच्चे उधर ही हैं अभी, और बस मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के लिए इधर आई थी। मैं भी वापस उधर ही जा रही हूँ अभी, अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। सो, आप लोग बताइएगा मुझे। तो चलिए, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अब देखिए, मैं नई नई चीज़ें और मैं एक चीज़ बना भी रही हूँ, आपको दिखाऊँगी और आप में से बहुत सारे लोग ना उसे बहुत पसंद करेंगे। सो, बहुत जल्दी मैं आपको मतलब एक दो वीडियोस के बाद मैं आपको दिखा दूंगी वो चीज़ कि मैं क्या बना रही हूँ। और आप अभी के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो पूरी देखिए प्लीज़। और क्योंकि जब हम वीडियो पूरी देखते हैं ना, तो क्या पता हमें कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि पहले ना ये पेशेंस मेरे अंदर नहीं था, मैं स्किप कर करके वीडियोस देखती थी, बट अभी क्योंकि मैं सीख रही हूँ कुछ चीज़ें तो मैं पूरी वीडियो देखती हूँ। आप भी देखिए और मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मेरी हेल्प करिए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।